मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लगातार पार्टियों में उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। दिग्गजों में बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी बीच कांग्रेस के एक बार फिर जबरदस्त झटका लगा है। चुनाव से पहले महाराजपुर सीट से कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी कांग्रेस से बागी हो गई है। बता दें कि निधि चतुर्वेदी सपा प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी के पक्ष में प्रचार में मैदान में उतर गई है। निधि बुंदेलखंड क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेस नेता पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की पुत्री है। निधि चतुर्वेदी ने नीरज दीक्षित के विरोध में प्रचार कर हरलापुर में जनसंपर्क कर सपा प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी के पक्ष में वोट मांगा। बागी नहीं है, ये सपा उम्मीदवार है और मैं इनके प्रचार पे आई हूँ, मैं इनके साथ हूँ रहूँगी और मैं चाहूँगी कि दौलत ही महाराजपुर विधानसभा के विधायक हो। प्रचार की रणनीति हम आपको क्यों बताएं, जो हमारी रणनीति है साफ साफ है, जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि जो बाकी प्रत्याशी हैं उनसे बेहतर, उनसे कहीं अच्छे हमारे प्रत्याशी क्यों हैं। प्रचार बहुत शानदार चल रहा है, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का प्रेम आशीर्वाद और समर्थन जिस तरीके से है, हम पहले ही मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं कि यहाँ महाराजपुर विधानसभा में न समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, न दौलत तिवारी चुनाव लड़ रहा है। जो शोषित और अपेक्षित जनता है, जिसको जिसका अपमान किया गया बार बार, जिसको ठगा गया, जिसके ऊपर जुल्म और अत्याचार किए गए, तो एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म और अत्याचार करने वालों को टिकट दी है और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार में भागीदार है उनको टिकट मिली है, तो ये जनता की आवाज़ में जब खड़े हुए हम व्यक्ति हैं और जनता से ही पूछ के हम खड़े हुए हैं और जनता ही चुनाव लड़ रही है। मतलब हमारा